Assalamualaikum, grade 8. How are you? Who am I? Your English teacher? And do you know my name? Yes, you do. I'm Faiza Nadeem. And how does Faiza Nadeem start her lecture? By asking about your health. By knowing whether all of you are hale and hearty. And by praying and wishing and hoping for your success both in this world and in the hereafter as well. What we are going to do today? Let's find it out. Yes, my dearest children, what is the board telling you? The board is telling you that we are going to start Unit 2 in general, and that Unit 2 is from your Oxford Progressive English, right? Book 8. And that Unit 2 is generally called as the horses, right? And this unit, which is all about horses, is further subdivided into different small comprehensions. The first comprehension that is related to the horses is rescue. And we are going to do this comprehension rescue today in this lecture. This comprehension is at page number 28 and will last till page number 34. So we are going to cover the entire comprehension today. What does the word rescue mean? Rescue sunte hi aapke dimag mein kya aata hai? Kisi ki madad karna? Kisi ko bachana? Yes, this comprehension is all about the rescue of a young girl, Miss Falkland. Hua yun ke Jim aur Dick Markson, ye do boys hote hain. Aur ye do boys hote hain lamb shearer ya sheep shearer. Shear kya hoti hai? Shear beta ek bahut badi si khenchi hoti hai. Theek hai? Aur jo shearer hote hain, वो होते हैं जो शेयर होती है बहुत बड़ी सी कैंची, राइट? और जो शेयरर होते हैं वो लोग होते हैं जो आपकी लैम्स या आपकी जो शीप हैं, जो आपकी भेड़ हैं, उनके ऊपर से वुल उतार देते हैं. जो सीजन शेयरर होते हैं वो एक गो में पूरी की पूरी वुल उतार लेते हैं, और लैम के या शीप के ऊपर हल्की सी वुल की तह भी रह जाती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, विदाउट डैमेजिंग देयर स्किन. तो ये दो शेयरर्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में. ये वहाँ पे एक फार्म में काम कर रहे होते हैं व्हेन द ओनर ऑफ दैट स्पेसिफिक शीप फार्म, ठीक है, कैटल फार्म, एंड हिज डॉटर वेंट ऑन फॉर अ हॉर्स राइड. अब जिस मेयर पे, घोड़ी पे उनकी बेटी बैठी थी, वो घोड़ी पहले ही थोड़ी सी फिजट कर रही थी, थोड़ी सी अनस्टेबल सी थी, थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड थी, राइट? अब जैसे ही वो घोड़ी पे बैठी, मिस फॉकलैंड, देयर इज अ ब्रांच दैट ब्रोक ऑफ फ्रॉम द ट्री, एंड एज सून एज द ब्रांच हिट द ग्राउंड देयर वाज अ ह्यूज साउंड. और उस साउंड की वजह से वो घोड़ी इतना घबरा गई कि उसने छलांग मारी और तेज दौड़ने लग गई. अब सिंस शी वॉज गोइंग वेरी फास्ट एंड देर वॉज नो वे दैट शी कुड बी स्टॉप्ड, जिम मार्क्सन उसके पीछे दौड़ा ताकि वो घोड़ी के बराबर पैरेलल आके घोड़ी को आउटरन करे, थोड़ा उसको कंपोज करे, सो दैट द मेयर वुड स्टॉप एंड ही कुड रेस्क्यू मिस फॉकलैंड. अब मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि जिस रास्ते पे घोड़ी जा रही थी, अचानक से उसने वो रास्ता चेंज किया और उस रास्ते पे चली गई जहाँ पर एक डीप क्रीक थी. क्रीक तो हम कहते हैं वाटर इनलेट को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो क्रीक है वो है एक गहरा दरिया, ठीक है? तो वहाँ से उसने जैसे ही एंड पे जाना था, उसने दरिया पे उलट के गिरना था जो बहुत गहरा था, और ना उस घोड़ी का और ना मिस फॉकलैंड का एक बाल भी बचना था. तो फिर जिम मार्क्सन को उसके भाई डिक ने एक टेलीग्राफ दिया, एक सिग्नल दिया, जस्ट टू टेल हिम दैट ही वाज मूविंग टुवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन एंड ही मस्ट चेंज हिज कोर्स ऑफ प्लान, जो उसने फिर चेंज किया. और चेंज करके वो घोड़ी के साइड बाय साइड होके उसने
मिस फॉकलैंड को उनकी घोड़ी से उठा के अपने पास और फिर नीचे जंप मार दी, ताकि अगर विद द मोमेंटम विद द स्पीड उसका घोड़ा भी प्लंज कर जाए, उसका घोड़ा भी क्रीक के अंदर गिर जाए, तो एटलीस्ट वो और मिस फॉकलैंड दोनों बच जाए। ठीक है, ये पूरा रेस्क्यू मिशन है जो बहुत खूबसूरती से इस कॉम्प्रिहेंशन में डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि बाकायदा उन्होंने कवरेज की है उस इवेंट की, बाकायदा वो जो भी कुछ हो रहा है डायलॉग्स में उसको कवर कर रहे हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से वो इवेंट जो रेस्क्यू मिशन है वो टेक प्लेस कर रहा है। आफ्टर रिकैपिटुलेशन ऑफ द एंटायर लेसन, लेट मी मूव बैक टू व्हाट इज ऑन द बोर्ड। सबसे पहले तो आपकी वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन है, या वोकैबुलरी और उसकी उर्दू मीनिंग्स है। व्हाई डू आई डू सो? Because you are in pre-9, ठीक है, and this is only a reminder to tell you that you must learn to translate each and every letter, each and every word of English into Urdu, because a very important question carrying very essential 4 marks will appear in your board paper, in which you will have to translate each and every paragraph of each and every unit in the उर्दू ट्रांसलेशन। कोई भी कहीं से भी आ सकता है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी वन, राइट? रेच्ड खराबी, मेयर घोड़ी, फिजिटिंग परेशानी में हिलना, प्लंज्ड छलांग मारना, रियर्ड पीछे हटना, स्ट्रेट एंड स्क्वेयर इज अ फ्रेज, और इसका मतलब है सीधा और मुस्तहकम, स्प्लेंडिडली शानदार। ब्रूट कहते हैं जानवर को, और जो जानवर बहुत सफाक होता है जैसे लायंस या बियर्स, इनके लिए यूजुअली वर्ड ब्रूट यूज़ होता है, लेकिन इस वक्त ब्रूट उस मेयर के लिए यूज़ हुआ था क्योंकि वो भी सफाक हुई भी थी, वो अपनी जान और मिस फॉकलैंड दोनों की जान के दर पे थी। रेंस होती है बागें, अब रेंस आपकी घोड़े की बागें भी हो सकती हैं, रेंस आपकी ऊँट की भी हो सकती हैं, जस्ट वो जो आप सेटल करके हाथ में पकड़ते हो ना रेंस, विद द हेल्प ऑफ विच यू डायरेक्ट द एनिमल टूवर्ड्स वेयर यू वॉन्ट टू मूव ऑन, वो आपकी रेंज होती है। एंड स्ट्रेट आउट इज सीधा और निकला हुआ। दिस वॉज जस्ट अ सैम्पल, लेट्स मूव ऑन टू रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी आपने कॉम्प्रिहेंशन में क्या समझा, क्या अंडरस्टैंड किया। एक्सप्लेन व्हाट द मेयर डिड आफ्टर द डेड ब्रांच फ्राइटेंड हर, व्हाट डिड द मेयर डू एसैप द डेड ब्रांच फ्राइटेंड हर। वेल, द मेयर प्लंज्ड यानी उसने छलांग मारी, रियर्ड थोड़ी सी पीछे हटी, and then ran as if the devil was after her, aise daudi jaise uske piche jin ya shaitan lage hue ho, matlab itni tez daudi। How did miss Falkland react to this situation? Miss Falkland ne is situation pe kis tarah se react kiya? Miss Falkland remained calm, theek hai, and composed, wo calm aur composed rahi, बिल्कुल घबराई डरी या चीखी चिल्लाई नहीं, बल्कि शी ट्राइड टू कंट्रोल द मेयर, वो उस घोड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही, और बिल्कुल उन्होंने अपना कंपोजर या अपनी कामनेस लूज नहीं की, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में ये स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड है कि मिस फॉकलैंड वॉज अ वेरी वेरी गुड राइडर। वाई वॉज जिम द वन टू गो आफ्टर मिस फॉकलैंड्स मेयर? Jim was the one to go after Miss Falkland's mare because his horse was the fastest among all the horses in the stable, among all the horses in the farm. This was question number 3. Let's move on to question number 4. What was Jim's plan of action and why was it essential that he changed it? Action was to outrun the mare, ठीक है, outrun और exhaust her, but he had to change it because there was a deep creek ahead and he could not outrun the mare. By the time they would reach the creek, they would have had a very miserable death if he would not have stopped the mare from doing so, right? What crucial piece of information did the local fellow know about the place which Tim and his brother did not know? They did not know that there was a deep
deadly creek ahead. Young local fellow tha, young shayad mere bhook lag rahi thi mujhe. theek hai to the young local fellow knew that there was a very lethal, deadly, fatal deep creek ahead, and anyone who would fall on that creek would not survive for a single second or millisecond. What did Dick's signal tell his brother Jim? What did Jim realize he had to do after he understood the signal? Well, जब उसको उस लोकल यंग मैन ने बताया कि आगे इज अ डीप क्रीक, जिम एंड हिज ब्रदर हैड अ सिग्नल. उसको वो टेलीग्राफ कहते थे. सिग्नल क्या था कि मैं अपनी कैप ऊपर करूँगा अगर हम कहीं कभी किसी मुश्किल में या परेशानी में हों. तो जैसे ही जिम ने पीछे मुड़ के देखा, डिक ने अपनी कैप ऊपर की, और जब डिक ने अपनी कैप ऊपर की तो जिम को पता चल गया कि देयर वॉज trouble ahead and he must change his course of action. So what did Dick's signal tell his brother Jim? That there was danger ahead. Dick's signal told his brother Jim that there was danger ahead. What did Jim realize? He realized that he had to change his course of action and rescue Miss Falkland immediately. How did Mr. Falkland express his thanks to Jim for saving his daughter's life? Miss Falkland was speechless for the first few minutes, and then he said that, Jim, let me do something for you, because if I will not do something for you, God will not forgive me. He said that if I forget your kindness, if I forget what you have done for me, may God forgive me, because he was so serious regarding the rescue of his daughter that he could not find words to express his gratitude. Describe the dramatic actions which Dick and the sheriffs could see taking place. Ab ye wo question hai aur ye wo specifically part hai is कॉम्प्रिहेंशन का जिसका मैंने लेक्चर की बैगरिंग में आपको बताया था. ठीक है, पूरा का पूरा जो इवेंट हो रहा है उसकी लाइव कवरेज की है उनके डायलॉग्स ने, और उनके डायलॉग्स से आपको ये पूरा का पूरा इवेंट समझ आ रहा है. लाइक व्हेन दे वर रीचिंग द क्रीक, द ऑब्जर्वर्स, द पीपल हु वर वॉचिंग, द वॉचर्स, ऑल द फार्मर्स, एवरीबडी हु वॉज देयर एट द फार्म, दे वर शाउटिंग आउट, oh, they are reaching for the creek, they are going to get a very bad death, they are not going to survive at all. And then they shouted, oh my God, now the horses are neck to neck, way to go Jim, protect Miss Falkland. And then all their dialogues were filled with hope and despair, hope that he might be able to not only rescue Miss Falkland but protect himself as well, and despair that he might not survive this mission. And at the end, the rescue at the last moment was the big sigh of relief from everybody. Let's move on, right? Describe the marks made by the horse's hooves. आप ये देखिए, apostrophe एस के बाद है, इसका मतलब दो घोड़ों की हूव्स की बात हो रही है. On the creek bank and explain what they showed about the rescue. Well, where Jim's horse was, the turf was broken by the hooves of Jim's horse. And then there was a place where the horse stuck all his four hooves in order to protect himself from falling down into the creek. Whereas there was the long score of the mare, where the mare started
or tried to protect herself from falling, but since she was at such a great speed and out of control, she finally fell into the creek. What happened to the horse which Mr. Falkland had been riding? सारे horses की बात हो गई, एक horse अकेला जिस पे Mr. Falkland बैठे, ये सारा adventure, ये सारा rescue mission देख रहे थे. What did he do? He sat in a carriage, the mail carriage. He took his daughter and sat in that carriage and asked his man to take his horse back to his home. Now let's move on to reading for inference. Reading for inference का मतलब ये होता है कि आपको क्या समझ आया इसके अंदर से, ठीक है? Helping words or phrases शुरू से मैंने लिखे हुए हैं, answers आपको completely phrase out, sentence out करके दिए हैं. I expect all of you to be grown up enough to write the answers, right? What evidence was there in the text that Miss Falkland was a good writer? The text says that Miss Falkland could write anything in reason, and this evidence proves that she was a good writer. To what task did the narrator liken trying to stop the mare? How does this comparison help to build up an impression of the mare? ठीक है? The writer has used these figures of speech like wretch of the mare. She was fidgeting. She was running as the devil was after her. And she went off as hard as she could lay her legs. So these were the phrases, these were the figures of speech that the writer has used to compare how the mare was feeling at that time and why Miss Falkland should not have ridden her in the first place. What does this phrase, smashed like a matchbox, mean? The phrase smashed like a matchbox means that she would have flattened on the floor of the creek with the contents of her body spread out. Okay? No one spoke for a few seconds. Why? After the rescue mission or while the rescue mission was taking place. No one spoke for a few seconds. Why? Because they were anticipating an unknown fear, whether the two of them would survive this adventure or whether they would not be able to survive this adventure, whether they would live or they would die. Along with that, at the end, they were quiet for a while because of the fearful condition which they had witnessed at that specific moment, right? Let's move on to the next question. How can you tell Mr. Falkland was overcome with emotion? What kind of emotions do you think he had at that moment? Well, Mr. Falkland's face was extremely white. Right? His face was white. And he could not speak for a few minutes. He was overwhelmed at the rescue of his daughter. He had not anticipated that his daughter would be protected, would be rescued, or would be saved from such a hazardous condition, from such a fatal mission in which she had found herself to be. So he was overcome or overwhelmed with the emotion of his daughter being protected. What is the bright colored mass among the rocks? The bright colored mass among the rock was the dead body of the mare. Jim did not seem inclined to talk much. Why? After the rescue mission, Jim did not seem to talk much because he had been protected. He had been saved from his expected death. He had just touched the moment where he could have died, and he had come back literally from his death. So he had no intention of speaking for a few minutes. He wanted to rest. And he wanted to absorb what he had been through at that specific time. Next is your vocabulary. ठीक है, vocabulary की जो आपकी first exercise है, उसमें आपको words दिए हुए हैं एक column में.
मीनिंग्स दी हुई हैं दूसरे कॉलम में, मीनिंग्स सारी जम्बल्ड अप हैं और आपने उनको उनके वर्ड्स के साथ मैच करना है. टेलीग्राफ सिग्नल फ्रॉम ए डिस्टेंस, डिक टेलीग्राफ्ड हिज ब्रदर जिम टू चेंज हिज कोर्स ऑफ एक्शन. मेल कोच कैरेज एंड लेटर्स, द मेल कोच अराइव्ड विद अ लॉट ऑफ लेटर्स एंड एवरीबडी वॉज हैप्पी. कॉलर गॉट होल्ड ऑफ, डिक ट्राइड to get hold of the collar of the horse. Inclined of a mind, Jim was inclined to change his course of action ASAP. He saw the danger ahead. Fateful, deathly, he could have a fateful experience if he would have carried on with what he had been doing. Noble, it was a noble act to rescue the poor lady. Sobs, the lady was trying to control her sobs. Turf, all over the turf, the horse's hooves have made a lot of marks. Score and tear, the body on the floor was scored and broken into pieces. Question number 2, आपसे ये कह रहा था कि ये pair of words हैं, इनके आपने differences highlight करने हैं और इनके sentences बनाने हैं. ये वाली क्रीक थी आपकी बेटा, वो जो क्रीक है जिसके अंदर हॉर्सेस प्लंज होने वाले थे यानी रिवर. द हॉर्स फेल डाउन फ्रॉम द टर्फ एंड इनटू द क्रीक एंड डाइड वेरी बैडली. द डोर क्रीक्ड एज आई ट्राइड टू ओपन इट, ये वो साउंड होता है जो चीर का बनता है क्रीक के साथ. ब्रेक ऑफ एंड ब्रेक ऑफ, ये ब्रेक ऑफ होता है तोड़ना. आई ब्रोक ऑफ अ पीस ऑफ चॉकलेट एंड गेव इट टू माई फ्रेंड, और ये ब्रेक ऑफ होता है रुकना या संभलना. यू मस्ट ब्रेक ऑफ फ्रॉम योर रॉन्ग डूइंग्स और फ्रॉम योर सेल्फिश बिहेवियर. ये रेन होती है बागें और ये रेन होता है रूल. जिम ट्राइड टू कंट्रोल द रेन्स ऑफ द रनअवे मेयर एंड रेन्स द मुगल रेन्स विद जस्टिस. ये प्लेन सिंपल और ये प्लेन होता है ग्राउंड, ठीक है. शी वॉज वेयरिंग अ प्लेन फ्रॉक एंड The cattle grazed in the plain. ठीक है, ये आपके sentences मैंने exercise 2 के बना दिए. Exercise 3 में आपसे कहा था कि odd one out pick करें, यानी कि यहाँ पर एक group of words थे, इसमें से जो सबसे different है वो pick करने. सबसे पहले है reins, saddle, harness, brake and stirrup. Brake changed है क्योंकि brake होती है गाड़ी की, घोड़े की नहीं होती, बाकी सब घोड़े की हैं. Vixen, mare, bull, ewe, doe, ये सारी फीमेल एनिमल्स हैं, वेयर एज बुल इज द मेल एनिमल. शेयरर्स, फ्लीस, वुल, सैडल, फ्लॉक, फ्लॉक, वुल, फ्लीस, शेयरर्स, ये सब जो है ये डील करते हैं शीप से. सैडल घोड़े की जिसके ऊपर आप बैठते हैं वो होता है. नेक, हूव्स, हैंड्स, हेड एंड लिप्स, इसमें हैंड्स एनिमल्स के नहीं होते, बाकी सब एनिमल्स के होते हैं, ठीक है. हैट, कैप, क्लोक, हुड, बॉनेट, ये सब टाइप ऑफ हैट्स हैं, लेकिन क्लोक जो है वो टाइप ऑफ गाउन है. प्लेन, क्रीक, हिल, हट, स्टेप, स्टेप, हिल, क्रीक, प्लेन, ये सब जो है ये आपके ग्राउंड्स की टाइप से, वेयर एज हट जो है वो हाउस है. नेक्स्ट वॉज दीज ईडियम्स, और आपको कहा गया था कि इन ईडियम्स के मायने बताएं और इनके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करें. अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू इज समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड. My uncle came yesterday and it was a bolt from the blue because he had specifically told us that he would not visit us for a year. Closing the stable door after the horse has bolted. Taking precautions after the bad deed had happened. Fixing cameras at your home after the theft was closing the door after the horse has bolted. To have shot one's bolt. ठीक है, अपने तमाम काम, जो कुछ आपके पास है अपनी तमाम एफर्ट दे देना. ही ट्राइड टू प्ले हिज बेस्ट बट कुड नॉट विन एज ही सीम्स टू हैव शॉट ऑल हिज बोल्ट्स. टू बोल्ट योर फूड इज टू ईट वेरी 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 क्विकली. आई बोल्टेड डाउन माई फूड बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेट फ्रॉम माई कमिटमेंट, फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द पार्टी, एनीथिंग. Let's quickly recapitulate today's lesson. What did we do? We did the comprehension, the rescue in specific, which is from Unit 2, horses in general from your Oxford Progressive Reader. We did reading for understanding, we did reading for inference, and we did the vocabulary, all the exercises, and constructed millions and zillions of sentences in general.
Construct all the sentences, use them in your sentence construction because you are supposed to have a good sentence structure. दुआओं में याद रखना, हंसते खेलते रहना, जब तक मैं दोबारा मिलूंगी सारा लेक्चर प्रिपेयर करके रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़.